वेलकम टू टेक्निकल फंडा। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े प्रोडक्ट की, जिसका मतलब टॉपिक जो है ना भाई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, रिफर्बिश्ड आईफोन। ठीक है, तो आज हमने मंगा लिया एक रिफर्बिश्ड आईफोन जो कि हमने कैशिफाई से ऑर्डर किया। ठीक है, और मैं इसका जो है आज आपको रिव्यू और अनबॉक्सिंग बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं डब्बा कुछ ऐसा निकलता है, हमें सामने की तरफ ब्लू डार्ट लिखा हुआ मिल जाता है और हमारी जो सिटी का कोड है वो, और पीछे की तरफ कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे बस शिपिंग एड्रेस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं, और यार पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब खोलते हैं डब्बे को, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं भाई कुछ इस तरह का हमें जो है डब्बा देखने को मिलता है। यहाँ पे फ़ोन प्रो डब्बे के ऊपर लिखा रहता है, और इस साइड में कॉर्नर के ऊपर जो है हमारा 6 मंथ की वारंटी लिखी है, और भाई देखो 32 पॉइंट क्वालिटी चेक, और बाकी सब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलियन से भी ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं, और यहाँ पे देखिए सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन। ठीक है, और साइड में कुछ ऐसा, और भाई देखो सील वील इसलिए ब्रोकन है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, और मैं 2 महीने से यूज़ भी कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम जेन्युइन वाली चीज़ बता सकें, इसलिए मैं इसे 2 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो भाई पीछे की तरफ कुछ ऐसा मिल जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और कुछ खास नहीं है, और यहाँ पे देखिए कैशिफाई पावर्ड बाई कैशिफाई एक कॉर्नर पे लिखा हुआ हमें मिलता है। तो चलिए अब प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोग यार एक्साइटेड होते हैं कि यार हमें आईफोन चाहिए, रिफर्बिश्ड आईफोन चाहिए, कौन सी साइड बेस्ट रहती है। तो चलिए अब इसे भाई ओपन करते हैं। तो भाई पहले बात तो ये देखो कि डब्बा भाई कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक ऐसा डब्बा है कि जिसमें भाई 6 इंच का फ़ोन आएगा, और यहाँ पे ठीक है पहले से ही अनबॉक्स कर चुका हूँ तो इसलिए मतलब उतना परफेक्टली पैक नहीं हो पाया, बट आपको दिखाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह सील पैकिंग हमें मिलती है, और अगर आपकी भाई सील ब्रोकन हो ना तो लेने का नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई फ़ोन हमारा कुछ ऐसा पन्नी में निकलता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एकदम तगड़े तरीके से, और डब्बे के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक पिन है जो कि मुझे ओरिजिनल तो नहीं लग रही है, ये केवल कंपेटेबल पिन है। ठीक है, और वहाँ पे पहले से ये मेंशन भी था कि जो भी आपको चार्जर और पिन है वो कंपेटेबल मिलेगी, ओरिजिनल होने की गारंटी नहीं है। ठीक है, और कुछ फिर यहाँ पे वारंटी कार्ड मिल जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम जो है अपनी 6 मंथ की वारंटी को जो है अवेल करा सकते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं, और भाई साथ में एक चार्जर निकलता है। ठीक है, तो भाई ओरिजिनल है क्योंकि मैंने इससे पहले आईफोन 7 लिया है, और ये वीडियो जो है आईफोन 7 से ही रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि नया लिया था उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसा ही चार्जर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि 5 वॉट का होता है एप्पल की तरफ से। और डब्बे के अंदर तो भाई इतना ही कुछ है, अब आते हैं मेन प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और भाई पैकिंग अगर मैं बताऊँ ना तो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा जहर है। और अब हम यहाँ पे अपना फ़ोन निकालते हैं भाई डब्बे से बाहर, और यार ये कितना छोटा है ये देखो। ठीक है, मतलब 4.7 इंच की डिस्प्ले है भाई, तो छोटा तो थोड़ा होता ही है। ये देखो भाई हमारा फ़ोन हमारे हाथ में आ चुका है, अब मैं आपको बताता हूँ ठीक है ये कैसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं भाई बारीकी से सारी चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पे आप फ्रंट कैमरा देख लीजिए एक बारी, बिल्कुल एकदम सही है, और सामने से एक वाइट डिस्प्ले। ठीक है, साइड में अगर मैं देखिए साइड लुक दिखा दूँ आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा वैसा यार आईफोन 7 की मुझे नहीं पता, फ्लैश नहीं जल रही है इसकी, तो इसलिए क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी उल्टी आ रही होगी, बट कोई बात नहीं आप मैनेज करिएगा। ठीक है, तो सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है फ़ोन हमारा, और अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा है। ठीक है, नीचे की तरफ आईफोन लिखा हुआ है, और यहाँ पे भाई लोगो, और साइड में ये कैमरा। ठीक है भाई, कैमरा वगैरह ना काफ़ी एकदम क्लीन है, और फ़ोन में यार मुझे एक भी स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑल दो मैंने जब 2 महीने पिछला मतलब 2 महीने से अब यूज़ कर रहा था तो मैं कवर डाल के यूज़ कर रहा था, पर अब हम जो है इसे बिना कवर के यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे कवर में फ़ोन अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, और हमने इसे पहले से ही सेटअप वगैरह करके रखा हुआ है, और ये सिल्वर कलर का है हमारा। और हाँ यार, इससे पहले मैं आपको कंडीशन भी बता दूँ तो ये सुपर्ब कंडीशन में 64 GB का वेरिएंट है। ठीक है, तो चलिए अब इसे भाई बूट कर लेते हैं। तो रेडी, तो ठीक है भाई मैं इसका पावर बटन दबाता हूँ, और क्योंकि बाकी का सारा काम तो बूट के बाद ही होना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो भाई एप्पल का लोगो जो है आ गया है, अब बस ऑन होने देते हैं फ़ोन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई हमें पासवर्ड डालने को आ गया है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ और खोल के फिर हम आगे बात करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने अपने फ़ोन को अनलॉक कर लिया है, क्योंकि पहली बार जब रीस्टार्ट होता है तो आपको पता ही है भाई पासवर्ड डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई सब कुछ एकदम मक्खन है, और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो हमें यहाँ पे ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जो कि हमेशा मतलब एप्पल प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा ही रहती है। और यहाँ पे देखिए ट्रू टोन भी मिलता है, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो हल्की सी जो है येलोइश ट्विंट हो जाता है डिस्प्ले में।
ठीक है। इसका मतलब डिस्प्ले एकदम ओरिजिनल है। और जो पीसी के सॉफ्टवेयर होते हैं ना भाई, जो 3U टूल्स होता है, मैंने उसके थ्रू जब इसे चेक करा तो मुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर मिला, जो कि काफ़ी तगड़ी चीज़ है। ठीक है, मतलब हमें कुछ भी इसमें लोकल नहीं मिला। ठीक है, तो यार कैशिफाई पे पूरा ट्रस्ट किया जा सकता है। चलिए तो एक बारी बैटरी में चलते हैं भाई, आपको दिखा दूं। तो मैंने जैसा कि बोला, मैंने पहले ही सबको सेटअप करके रखा है और मैं फ़ोन को पहले यूज़ भी कर रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैटरी सेक्शन पे आ गए हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जब ये मुझे रिसीव हुआ था ना, तो दोस्तों उस टाइम पे मेरी बैटरी जो थी 90% हेल्थ थी, और अभी करंटली जो है हमारी हेल्थ, एक मिनट, ये रही। और यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी जो बैटरी की है भाई 88 हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये 88 कैसे रह गई, तो देखो यार 2% गिरने का रीज़न ये हो सकता है, क्योंकि जब भी मैंने फ़ोन को यूज़ किया है तो मैं हमेशा इसे ज़्यादातर पावर बैंक पे लगाकर ही यूज़ करता था। मतलब पावर बैंक में फ़ोन लगाए और आई एम यूजिंग इट। और ऑप्टिमाइजेशन बैटरी चार्जर मैंने ऑफ कर रखा है। ठीक है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार आईफोन्स की बैटरी थोड़ी कम ही रुकती है, पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वो। ठीक है, बट यार परफॉर्मेंस एकदम मस्त है। ठीक है, मैंने इसमें BGMI खेला है बहुत एकदम मस्त करके, 20-25 दिन बहुत अच्छे से खेला एंड एकदम मस्त परफॉर्मेंस आ रही थी। ठीक है, सारी चीज़ें। और इसमें अगर हम चिप की बात करते हैं तो हमें A11 मिलती है, और 2GB रैम है, और 64GB जो है हमारा ये वेरिएंट है। ठीक है, अब चलिए रिंगर बटन देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिंगर बटन है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अप करता हूँ तो ये साइलेंट मोड ऑफ हो गया है, और हम डाउन करते हैं तो ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। वॉल्यूम रॉकर की भी अगर मैं बात करूँ तो एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं दोनों बटन्स, और पावर बटन भी। और भाई फिंगरप्रिंट सेंसर भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एकदम से फास्ट है ये। ठीक है, और चलिए एक बारी मैं इसकी आपको आवाज़ सुना देता हूँ कि कितनी वॉल्यूम है। तो जल्दी से हम NCS को जो है यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, आएगा तो उसे थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, चलिए शॉर्ट बजा देंगे। तो यहाँ पे मैं फुल वॉल्यूम कर देता हूँ। ठीक है, ये तो दोस्तों आपको जैसा पता ही है यार, एप्पल के जो मतलब स्पीकर होते हैं, स्टीरियो होते हैं, ऊपर वाला भी एक साथ बजता है और नीचे वाला भी। और अगर मैं ना सिमिलरली बताऊं आपको, अगर मैं यहाँ पे अपना iPhone 7 भी रख दूँ ना, तो अब तब आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे कौन सा 8 है कौन सा 7 है, जब तक आप पीछे नहीं देख लेंगे। ठीक है, मतलब पीछे बस इतना सा फ़र्क है, इसमें ग्लास बॉडी है, एक थोड़ी सी चिप अपग्रेड कर दी गई है, और ये वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है, वो नहीं करता है। और करंटली जो इसका OS है ना दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी 16.6 पे चल रहा है। ठीक है, और जिसको यार फर्दर शायद अपडेट हम नहीं कर सकते, बट ये भी काफ़ी कूल है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला है, और इसमें अपडेट में बस ये मुझे अच्छा फीचर लगता है, जैसे मैं यहाँ पे वॉल पेपर्स पे जाता हूँ ना, उसके बाद में मैं यहाँ पे अपने मन से कितने भी जो है यहाँ पे प्रीसेट बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, अभी मैं आपके सामने कोई एक नया लगा के दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमने पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेट इस करंट करूँगा और ये मेरा अब ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको जो है प्रीसेट लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली हमारा जो है वॉलपेपर बदल गया है, और ये इजीली वर्क भी कर रहा है। ठीक है, तो बस यही है यार, मतलब काफ़ी तगड़ा। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई कैसा प्रोडक्ट निकला। तो देखो यार, स्क्रैच एक भी नहीं निकला, सुपर कंडीशन, एकदम जहर एकदम। अगर बंदे को भाई आप सीरियसली बताएंगे ना कि ये रिफर्बिश्ड नहीं है, तो वो एकदम उसे नया ही समझेगा। और भाई रिफर्बिश्ड का मतलब ये नहीं है सेकंड हैंड है, रिफर्बिश्ड का मतलब होता है कि आपका जो फ़ोन है किसी ने पहले अगर यूज़ किया है, ठीक है, और उस बंदे ने जो है वापस अगर साइट पे दे दिया कहीं पर भी, ठीक है, और उसके बाद में इसमें जो भी थोड़े बहुत कमियां आ जाती हैं उनको फिक्स करके दोबारा से सेल करना, दिस इज़ अ रिफर्बिश्ड कंडीशन। ठीक है, और ये सुपर